डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जितेश कुमार। टुडे इट इज माय थर्ड क्लास ऑन द डिटरमिनेंट। सो मैं अब दो टर्म को डिस्कस करने जा रहा हूँ, फर्स्ट सिमेट्रिक एंड सेकंड अस्क्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट, हाउ कैन वी डिफाइंड सिमेट्रिक? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हाउ टू डिफाइंड? फर्स्ट वी सी हियर अ डिटर्मिनेंट इज सेड टू बी सिमेट्रिक सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। बाय वन एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट आई एम सेइंग हियर। ओके, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डिटर्मिनेंट का। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी मीन्स व्हाट? अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हम उसको बोलते हैं जब हम जिस एलिमेंट का, हम ए आई जे एलिमेंट का जो वैल्यू होगा वो वही उस एलिमेंट में ए जे आई का होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, सपोज करें कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वन और थ्री लेते हैं, मतलब फर्स्ट रो इन थर्ड कॉलम, टेक वैल्यू व्हाट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस इज जी। अब क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, कॉलम के रो के स्थान पे कॉलम को लेंगे और कॉलम के स्थान पे रो को लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इस कॉलम के स्थान पे हम क्या करेंगे, इस कॉलम को यहाँ रो के स्थान पे रखेंगे, थ्री कर दिए, और इस रो को इसके कॉलम के स्थान पे रखेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये भी जी आ गया तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। सिर्फ ये एक एलिमेंट के लिए नहीं, इट इज वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, सो वी कैन सी हियर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस एलिमेंट इज ऑल्सो जी, सो दिस इज ए सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। वी कैन ऑल्सो चूज अनदर एलिमेंट, सपोज ए थ्री टू। ए थ्री टू हियर वी कैन सी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम दिस इज एफ। नाउ वी चेंज ए टू थ्री, वी कैन सी ए टू थ्री, नाउ वी चेंज तो ए टू थ्री मतलब मीन्स इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यू कैन सी हियर दिस इज ऑल्सो एफ, सो दिस इज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट केस, आप सिमेट्रिक देख चुके, अब हम अस्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन करते हैं। इसको हम डिफाइन करने का सिंपल है, अ डिटर्मिनेंट इज सेट टू बी एस्क्यू सिमेट्रिक इफ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा जो आप देखिए, यहाँ ये क्या होता है, इसका जीरो होगा व्हेन रो नंबर इक्वल्स टू कॉलम नंबर, अगेन माइनस ए जे आई होगा व्हेन जब हम रो नंबर कॉलम नंबर के नहीं होगा इक्वल, तब मेरा जो ए आई जे एलिमेंट होगा वो माइनस ए जे आई के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे इसको डिफाइन करें अस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। इसका कंडीशन है अस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होने के लिए कि अगर रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में जो मेरा एलिमेंट होगा वो जीरो होना चाहिए, एलिमेंट की वैल्यू, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो ए आई जे एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा जब हम इस कॉलम और रो को इंटरचेंज करेंगे तो उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, सपोज ए वन टू निकालें, एलिमेंट
इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. इन फर्स्ट रो इन सेकेंड कॉलम यू कैन सी हियर, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज फोर. नाउ यू कैन फाइंड चेंज वन टू ए टू वन. नाउ यू कैन सी हियर आई इक्वल्स नॉट इक्वल टू जे बिकॉज आई हियर हियर रो नंबर इज वन एंड कॉलम इज टू, सो हियर इज नॉट इक्वल. नाउ यू कैन सी हियर ए टू वन फाइंड फ्रॉम दिस, दिस इज ए टू मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो दिस इज माइनस फोर. एंड इफ यू टेक दिस माइनस बिफोर दिस देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू इथ दिस माइनस माइनस प्लस दिस इज फोर. नाउ वी कैन टेक सेकेंड टर्म सेकेंड एलिमेंट एग्जाम्पल अंदर ए वन थ्री इक्वल्स टू फाइंड हियर ए वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो दिस इज थर्ड कॉलम, हियर एंसर इज पाई एलिमेंट, वैल्यू इज पाई. नाउ यू कैन सी हियर ए थर्ड वन मीन्स वा चेंज द रो नंबर एंड कॉलम. नाउ वी गेट हियर वाट थ्री और वन, हियर नॉट रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर, सो वी टेक माइनस बिफोर दिस एलिमेंट वाट इवर वाट इवर वाट इज कम्स हियर. वी कैन सी हियर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, वी सी हियर दिस वैल्यू इज माइनस, सो वी टेक माइनस पाई. आफ्टर माइनस माइनस प्लस दिस इज पाई. सो हियर इज ए वन थ्री इक्वल्स टू ए थ्री वन वेन आई इज इक्वल्स नॉट इक्वल टू जे. नाउ यू कैन सी सिंपली ए वन वन, हियर इज ए वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस इज जीरो. Now can also if we change this means what, if I equals to j then value j is equal to what is zero, we can obtain zero. In any case a 2 2 we also zero, a 3 3 also zero, so we can take another example of the askew symmetric determinant. We can also see here, we can also check this, this is also a askew symmetric determinant, this is 4 by 4 determinant, because you can see simply a 1 1 when row and column is equal then this value is 0. We can see a 2 2 a 3 3 a 4 4 all are 0, so this is also a askew symmetric determinant. You can also check this. Now we discuss now properties of determinant which is very important for all exams, either JE main or JE advanced or 12th. In any exam this is very important. So property number 1 we can see here, the value of a determinant, value of a determinant does not change when rows are changed into corresponding columns. Means what? The value of a determinant does not change when the rows are changed into corresponding columns. Means you can understand one example very clearly. 2 3 4 minus 1 4 5 0 7 pi. This suppose what I am saying कि जब हम किसी रो को जिस रो का उसके corresponding कॉलम में, मतलब इसका हुआ कि अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में अगर डाल दें या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में अगर corresponding चेंज करें तो मेरे डिटर्मिनांट का जो वैल्यू होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा. जैसे हम कर सकते हैं यहाँ, इसको लिख सकते हैं. अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखते हैं, टू माइनस वन जीरो. अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, टू थ्री फोर. नाउ वी कैन सी हियर सेकेंड रो इन सेकेंड कॉलम, तो माइनस वन फोर फाइव. नाउ इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वी राइट इन
सेकेंड रो तो 3, 4, 7 एंड रिमेनिंग इज पाए. यू कैन सी इफ यू वॉन्ट टू फाइंड दिस वैल्यू एंड दिस बोथ हैव सेम वैल्यू नो एनी चेंज. तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट का वो चेंज नहीं होता है जब हम रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं. ऐसा नहीं करना है कि इसके फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में डाल दें, ऐसा नहीं. फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में जाएगा, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में करना है कॉरस्पॉन्डिंग चेंज. ऐसा नहीं कि थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में डाल देंगे, इस तरह से नहीं. सेकेंड प्रॉपर्टीज यू कैन सी इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकली आइडेंटिकल हो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो. ओके, इफ एनी टू रो या कॉलम का किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिकल हो, देन वैल्यू जो डिटर्मिनेंट का होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. बाय द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली. यू कैन सी वन एग्जाम्पल एक्स वाई जेड टी यू वी एल एम पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड टी. यू कैन सी हियर एक्स वाई जेड टी एंड एक्स वाई जेड टी दो बोथ इन फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो बोथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. सो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो सिंस आर वन इक्वल्स टू आर टू सॉरी आर फोर. नाउ वी प्रोसीड नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो. ओके, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो देन वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो. ओके, इफ ऑल द एलिमेंट्स नॉट वन एलिमेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आइदर इन रो और इन कॉलम कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो देन वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट का वो जीरो हो जाता है. जैसे एक एग्जाम्पल लें, जीरो जीरो जीरो. आफ्टर दैट वी कैन टेक एनी वैल्यू एक्स वाई जेड यू वी जेड और यू कैन से यू वी डब्लू. हियर इन फर्स्ट रो ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो सो दिस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो. नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. इफ ऑल द एलिमेंट्स एभव और बिलो. ओके, एभव और बिलो द प्रिंसिपल डायगनल कंसिस्ट ऑफ जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यू कैन सिंपली हियर डी टी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगनल एलिमेंट्स. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ ऑल द एलिमेंट्स एभव आइदर एभव और बिलो
द प्रिंसिपल डायगनल कंसिस्ट ऑफ जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगनल एलिमेंट्स. वी कैन सिंपली हियर वन एग्जाम्पल. सपोज हियर एग्जाम्पल नॉट अ स्पेस मे बी 1, 2, 0, 3, 7, 0, 0, -4. ओके वी कैन सी हियर हियर डायगनल एलिमेंट इज 2, 3, 4. दिस इज डायगनल एलिमेंट. ओके दिस इज डायगनल एलिमेंट. बिलो द डायगनल एलिमेंट वी कैन सी हियर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. ओके सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डायगनल एलिमेंट. सिंपली 2 × 3 × -4. वी कैन सी वी कैन मल्टीप्लाई दिस 3 × 2 = 6, 6 = -24. दिस इज द एंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का. तो वी कैन सिंपली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट. इफ ऑल द एलिमेंट्स एभव या बिलो प्रिंसिपल डायगनल का एभव भी हो सकता है या बिलो भी हो सकता है कोई भी. अगर जीरो ऑल एलिमेंट्स हो जाता है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो डायगनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय के. के इज एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू. इफ मल्टीप्लाइड बाय के देन वी कैन टेक के एज कॉमन. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी. वी कैन टेक के एज कॉमन एलोंग दैट रो और कॉलम. सिंपली बाय एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल इफ यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी भी रो में या कॉलम में किसी के कोई कॉन्स्टेंट से अगर मल्टीप्लाई है तो उस कॉन्स्टेंट को हम क्या कर सकते हैं उस रो के या कॉलम से हम उसको टिक मतलब उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में सपोज एक्स ए वन को एलिमेंट डिटर्मिनेंट ले रहे हैं सी वन, एक्स ए टू बी टू सी टू, एक्स ए थ्री बी थ्री एंड सी थ्री. दिस इज वन एग्जाम्पल. हियर एक्स इज मल्टीप्लाइड इन फर्स्ट कॉलम इन ऑल एलिमेंट्स. सो वी कैन टेक सिंपली एक्स कॉमन फ्रॉम दिस फर्स्ट कॉलम एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लाई इट सेम वैल्यू गिव्स. ओके तो दिस इज सिंपल बिकॉज अगर आप इस कॉन्स्टेंट को रहने देते हैं और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू को बट उसमें क्या होगा कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा. तो मुझे ये प्रॉपर्टी भी याद रखना है जिससे कि हम जेई मेन के एग्जाम में हम सिंपली इससे हम क्या कर सकते हैं कि के को कॉमन निकाल सकते हैं. तो प्रॉपर्टी इज वेरी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑफ एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है और वो ऑड ऑर्डर का है आइदर वी कैन से 3/3, 5/5, 7/7. अगर इस टाइप का होगा तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा. जैसे अगर आप चाहते एक्सप्लेनेशन इसका देखना तो आप देख सकते हैं वन एग्जांपल से आप कैसे इसको करें क्योंकि इसका यूज बाद में भी होगा. लेट डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा से नोट करते हैं हम लोग. एक्स सपोज करते हैं यहाँ जीरो है माइनस एक्स वाई. ओके एक्स जीरो टी माइनस वाई माइनस टी जीरो हमें डिटर्मिनेंट लिए
ये एक एस्क्यूसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है और हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं और पता करते हैं कि क्या इसका वैल्यू जीरो होता है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक ऑड ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। सो हम चेक करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई है और इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई है। और हम क्या करते हैं, -1 इससे भी कॉमन लेते हैं, इससे भी -1 कॉमन लेते हैं और इससे भी -1, मतलब फर्स्ट रो के अनुसार, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में भी। तो जब हम -1 कॉमन इससे ले रहे हैं तो -1 यहाँ पे नहीं है, तो जब हम -1 लेंगे तो ये क्या होगा, इसमें माइनस लग जाएगा। और जीरो में तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये -x हो जाएगा। बट यहाँ पे -1 है मल्टीप्लाई इसमें सिंपली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी वन पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग लिए -1, तो इसके अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं एक -1 और एक इसके भी ले लिए। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपली देखें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ -1 नहीं है मल्टीप्लाई, तो माइनस आ जाएगा इस पर सिंपली। अब ये जहाँ पे माइनस है लगा हुआ वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी एक्स, ये 0 और ये भी टी, ये -y, ये -t और ये 0 हो जाएगा। ओके, नाउ वी प्रोसीड अगेन, यू कैन सी ये डेल्टा इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस रह जाएगा, तो यहाँ -1 रहा और ये क्या हो गया, एक्स, सॉरी 0 एक्स माइनस वाई माइनस एक्स 0 माइनस टी वाई टी 0। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को सब में फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पहले हम प्रॉपर्टी बता चुके हैं आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होता डिटरमिनेंट का। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में डालते हैं, तो 0 माइनस एक्स और वाई हो जाएगा, और इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले आते हैं, तो एक्स माइनस वाई, उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग ये भी कर देते हैं, तो जैसे ये सेकंड कॉलम है तो इसको सेकंड रो में डालते हैं, 0 टी और फिर अगेन दिस इज इन थर्ड रो, थर्ड कॉलम में डालते हैं -t 0। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहला जो डिटर्मिनेंट लिया था, लेट किया था, उसी सेम टाइप का ये डिटर्मिनेंट आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 इंटू डेल्टा, इस डिटर्मिनेंट के जगह पे जो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है उसी को लिख सकते हैं, और ये भी तो एक डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू, इसी डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू हम फाइंड करने, इसी को कन्वर्ट किए इस फॉर्म में और यहाँ तक ले आए। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब ये डिटर्मिनेंट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा, तो अब इधर क्या बचा, 0, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकल रहा है वो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो यही हम पहले यही बताना चाह रहे थे कि वैल्यू जो होता है एस्क्यूसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का, ऑड ऑर्डर का होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, जो आपको याद रखना है। ये अब लास्ट एक प्रॉपर्टी बचा है डिटरमिनेंट का, इफ एनी रो और कॉलम, ओके, अगर कोई रो हो या कॉलम हो, अगर वो पास कर रहा है, पास्ड ओवर एम रो और कॉलम, ओके, एम रो और एम कॉलम से, रोज से या कॉलम से, देन इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 to the power m, और जो न्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा वो हो जाए, वेयर जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जो पहला है, ये डेल्टा ये है गिवन डिटर्मिनेंट मेरा, ओके, जो दिया हुआ डिटर्मिनेंट है गिवन डिटर्मिनेंट, ओके, और डेल्टा डैश जो फॉर्म हुआ वो न्यू डिटर्मिनेंट हुआ, न्यू डिटर्मिनेंट। बाय एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जैसे एक एग्जांपल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्स
वाई जेड, ओके, यू वी डब्लू पी क्यू आर। हम क्या करते हैं इसको, हम क्या करते हैं इस यू वी डब्लू और पी क्यू जेड, जैसे एक्स वाई जेड जो यहाँ पे है, हम इसको क्या करते हैं फर्स्ट रो में है, इसको हम थर्ड रो में ले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एक दो दो रो से ये पास कर रहा है, तो इसलिए हम इस पर क्या करेंगे, m का जो वैल्यू हुआ यहाँ पे टू हो जाएगा। ये दो रो को पास करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको एक्स वाई जेड को, और एक्स वाई जेड के स्थान पे क्या आएगा, फिर u v w और फिर इसके स्थान पे कौन आ जाएगा p q r, और ये एक्स वाई जेड यहाँ पे चला गया एक्स वाई जेड। हम क्या किए, फर्स्ट रो को कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर दिए, इस रो को हम क्या किए इसको थर्ड रो में ले आए, इसलिए हम यहाँ पे दो रो को पास ओवर किए, इसलिए हम यहाँ पे माइनस वन पावर टू लिखते हैं। एग्जाम्पल अनदर ऑल्सो टेक, सपोज ए वन बी वन सी वन डी वन। अब एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, ए वन बी वन सी वन डी वन, ए टू बी टू सी टू डी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी थ्री, ए फोर बी फोर सी फोर डी फोर, ओके। अब हम क्या करते हैं इसको थर्ड कॉलम जो है इसको हम सेकंड कॉलम में ले आते हैं, तो हम यहाँ पे कितने रो को पास करेंगे, एक, क्योंकि हम थर्ड से कहाँ जा रहे हैं सेकंड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन पावर सिर्फ वन होगा, और सिंपली जो भी इसका वैल्यू है उसको लिखते हैं ए वन। अब ये हम क्या कर रहे हैं ए टू, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए थ्री ए फोर, ओके। अब ये हम क्या कर रहे हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम जो है इसको सेकेंड कॉलम में ला रहे हैं, तो सेकेंड कॉलम का थर्ड रो थर्ड कॉलम में चला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे C1, C2, C3, C4, B1, B2, B3, B4 और D1, D2, D3, D4, दिस इज, ये न्यू डिटर्मिनेंट फॉर्मेशन होता है, इसी को हम डेल्टा डैश से नोट करते हैं, ओके। और जब हम माइनस से फिर कर देंगे इसमें, तो फिर ये सेम डिटर्मिनेंट, इस ये सिंपल जो गिवन डिटरमिनेंट ये है, ये डिटरमिनेंट चलाएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम देखते हैं कैसे हम इसको यूज कर पाएंगे। प्रूव दैट वन डिटरमिनेंट पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड, हमको प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट जो है इस फॉर्म में लाना है वाई एक्स जेड बी क्यू और बी कैसे ए पी और सी आर, इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमको ले जाना है, ठीक है। तो हमको पहले ये देखना है कि किस फॉर्म में ले जाना है, यहाँ पे मेरा एक्स वाई जेड है और यहाँ पे क्या है वाई एक्स जेड, मीन्स व्हाट, एक्स को मुझे मिड में ले जाना है और वाई को इस साइड लाना है, और इसमें ये थर्ड ये फर्स्ट कॉलम में है, तो अगर ये एक्स वाई जेड अगर ये वाई एक्स जेड में आ जाए और इसको अगर हम फर्स्ट रो में भी लेके चले जाएं, तो भी क्रॉसपॉन्डिंग चेंज करके हम फर्स्ट रो में इसको ला सकते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी पढ़ चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोग को कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग चेंज करते हैं डिटर्मिनेंट का, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग रो और कॉलम में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे कि लेट इसको डेल्टा से डिनोट कर लिए, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा है पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड, ओके। नाउ वी क्या करते हैं कि हम इसको क्या करते हैं फर्स्ट एक पास करते हैं, मतलब इसको चेंज करते हैं, इस सेकेंड रो कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ले आते हैं और फर्स्ट कॉलम को सेकेंड में, तो एक बार चेंज कर दें पास कर रहे हैं तो माइनस वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा क्यू बी वाई पी ए एक्स आर सी जेड, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये तो आ चुका वाई एक्स जेड आ चुका है एक जगह, अब इसको हम क्या करते हैं इसको हम पास करते हैं इस थर्ड रो से फर्स्ट रो में लेके जाते हैं, तो हम दो से पास कर रहे हैं तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, और क्रॉसपॉन्डिंग चेंज कर देते हैं, ये वाई हो जाएगा ये एक्स और ये जेड, सॉरी ये एक्स वाई एक्स जेड हो गया, ये चला गया। अब क्या करेंगे इसको हम Q P R और ये आ जाएगा B Q
सी. ओके यू कैन सी हियर. अब हम क्या करेंगे इसको, नाउ आप देख सकते हैं, सॉरी ये तो ए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी ए सी है, ये क्या है ए, ये बी ए सी है तो हम कर लिया. अब यहाँ पे देखना है, देखिए यहाँ पे क्या है बी ए सी, तो ये रहना चाहिए कहाँ पे, थर्ड रो में, तो सॉरी सेकंड रो में, बट ये कहाँ पे है, थर्ड रो में है. तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार और चेंज कर लेते हैं. तो एक बार चेंज करेंगे तो माइनस वन, और ये माइनस वन टू तो था ही, अब एक बार फिर माइनस वन भी कर लिए. अब क्या होगा, इस वाई एक्स जेड को तो रहने देते हैं, अब इसको एक बार चेंज कर लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी ए सी और फिर अगेन क्यू पी आर. अब हम क्या देख सकते हैं कि सेम जो ये आ गया क्यू बी क्यू सेम आ चुका है. अब क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ चेंज कर देंगे इसको, ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो में दे देंगे, फिर अगेन इसी तरह से. तो नीचे अब स्पेस नहीं है तो अब मैं ऊपर लिखता हूँ, और यहाँ पे अगर माइनस माइनस सब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि ये डेल्टा का जो वैल्यू आ रहा है, इस डेल्टा का वैल्यू जो है ये आ जाएगा, क्योंकि आप कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर रहे हैं, वाई एक्स जेड को फर्स्ट कॉलम में ले आएंगे, तो वाई एक्स जेड और फिर अगेन फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में ले जाएंगे, तो वाई बी क्यू वाई बी क्यू, अगेन फिर सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, तो क्यू ए पी, सॉरी ये एक्स है, एक्स ए पी हो जाएगा, तो एक्स ए और फिर पी हो गया. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम को थर्ड रो में ले जाएंगे, जेड सी आर, जेड सी आर. ये मुझे लाना था और ये मेरा प्रूफ हो चुका है. तो इस फॉर्म से हमको प्रूफ करना होगा. तो आप एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं खत्म. प्रूफ दैट 103, 115, 114, 111, 108, 106, 104, 113 और 116. फर्स्ट डिटरमिनेंट एंड सेकेंड डिटरमिनेंट, एक 113, 116, 104, अगेन 108, 106, 111, 115, 114, 111, 103. ओके मुझे ये प्रूव करना है कि इस दोनों डिटरमिनेंट को जब मैं ऐड करूँ तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो. ओके तो हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं. सपोज करते हैं कि इस डिटरमिनेंट को हम डेल्टा वन मानते हैं और इस डिटरमिनेंट को हम डेल्टा टू मान लिए, ठीक है, लेट कर लिए. क्या किए, दोनों डिटरमिनेंट को अलग से हम मान रहे हैं, ठीक है. इस डिटरमिनेंट को हम लेट किए, डेल्टा वन है, ठीक, और इस डिटरमिनेंट को हम लेट करते हैं कि ये डेल्टा टू है. ओके अब हम डेल्टा टू को क्या करते हैं, इसको चेंज करके और डेल्टा वन को प्रयास करते हैं लाने के लिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम निकाल लेंगे वैल्यू क्या होगा. तो हम डेल्टा टू को लेके चलते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट से हम इस डिटरमिनेंट को लाने का प्रयास करेंगे. ओके तो हियर 113, 116, 104, 108, 106, 111, 115, 114, 103. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये थर्ड रो है, इसको हम फर्स्ट रो में ले जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कितने पे कितने पास कर रहे हैं, दो, तो माइनस वन पावर टू हो गया, तो ये पास करेगा तो क्या हो जाएगा, 115, 114, 103 हो जाएगा. ओके नाउ दिस इज 13, 116, 104, 108, 106, 111. अब हम क्या करते हैं इसको, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 108 मिड में 11, इस ये वाला टर्म जो होना चाहिए मिड में होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको भी हम इसमें ले आते हैं. तो यहाँ पे एक माइनस वन पावर टू, अगेन माइनस वन, बट यहाँ स्पेस उतना नहीं है तो हम यहाँ पे लेते हैं माइनस वन पावर टू इंटू माइनस वन. अब मैं क्या करता हूँ इसको, इस थर्ड को सेकेंड में करता हूँ, 115, 114, 103,
108, 106, 111, और इसको हम क्या करते हैं, सेकंड को थर्ड में ले आए 116, 104। अब हम क्या करते हैं कि इस थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ले आते हैं और उसके बाद शिफ्ट करा देते हैं, तो उसके बाद खुद इटसेल्फ आ जाएगा ये 1, 2, -1 और अगेन -1 पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ ले आएंगे तो 103, 111, 104। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम शिफ्ट करा देते हैं 13 को, अब ये 115 आ गया यहाँ, 108, 113, 114, 106, 116 आ गया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट डेल्टा वन माने हम इसके, इसी के बराबर है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, और इसका वैल्यू जो हुआ डेल्टा वन हो गया और ये डेल्टा टू। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू का वैल्यू 0 आ गया, जो कि ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया।